क्या आपको स्विंग बोलिंग खेलना मुश्किल लगता है? अगर हाँ तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंपल प्लास्टिक बॉल के साथ आप स्विंग बोलिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्नेहल। और ऐसे ही इंटरनेशनल क्वालिटी टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाना। चलो देखते हैं कि इस बॉल के साथ आप आपकी बैटिंग कैसे सुधार सकते हो। स्विंग बॉलिंग खेलने के लिए आपको स्विंग करने वाले बॉलर्स फेस करना जरूरी है, पर हर नेट में, हर क्लब में, हर टीम में ऐसे बॉलर नहीं होते हैं। इसलिए हम इस प्लास्टिक बॉल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल टेप के साथ। टेप लेके प्लास्टिक बॉल के एक साइड को पूरी तरह कवर कीजिए। एक लेयर होने के बाद इसे और दो बार रिपीट कीजिए, मतलब टोटल तीन लेयर मिनिमम हो जाएंगे। आप इसके बाद और भी लेयर्स ऐड कर सकते हो। अब ये बॉल एक तरफ से भारी हो जाएगा तो इसके वजह से वो स्विंग होगा। स्मूथ करने के लिए ऊपर से कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लगा दो। अब ये बॉल स्विंग होगा क्योंकि ये एक तरफ से भारी है। इन स्विंग और आउट स्विंग के सही ग्रिप्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं यहाँ लिंक करूंगी, जरूर देखना। अगर आपको राइट हैंडर को इन स्विंगर डालना है तो इस तरफ पकड़िए जहाँ पे भारी साइड लेग साइड की तरफ हो, और अगर राइट हैंडर को आउट स्विंगर डालना है तो जो भारी साइड है वो ऑफ साइड की तरफ पकड़ना। चलो देखते हैं कैसे होता है। अब ये बॉल मैंने देखा कि हैवी साइड या रेड साइड कौन सी तरफ है और उस हिसाब से मैंने खेला। इससे आपकी बॉल वॉच करने की भी आदत बन जाती है। और चैलेंजिंग बनाने के लिए आपके बॉलर्स को कहो कि हाथ में बॉल ढक के लास्ट मिनट पे बॉल डिलीवर करें ताकि आपको पता नहीं चले कि कौन सी तरफ स्विंग होने वाला है। ऑलमोस्ट योर्कर, ऑलमोस्ट बोल्ड। अगर ये टिप पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाना, और अगर कमेंट करना है ना तो इंस्टाग्राम पे भी बताओ इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेके। मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो और वहां पे मुझे बताओ कि आपको ये टिप कैसे लगा। और ऐसे टिप्स देखने हैं तो सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि हर हफ्ता एक नया वीडियो आता है। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर क्रिकेट।